आज हम आपके लिए लाए हैं, जीवन में व्यक्ति को देव कार्य व देव पूजा कैसे करनी चाहिए, इस वीडियो में बताएंगे। वासुदेव दर्शन, मैं राज गौड़ आपका स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे। दोस्तों, जीवन में व्यक्ति को देव कार्य भगवान की पूजा अर्चना करने में सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो अमंगल घटने की संभावनाएं रहती है। इसलिए आज हम आपको ऐसी 16 बातें बता रहे हैं, जिसमें देव पूजा व पितृ पूजा कैसे करनी चाहिए। यदि इन 16 बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके जीवन में देव भी खुश रहेंगे और पितरों से जो अमंगल होता है उससे भी बचोगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 1, देव पूजा उत्तर मुख होकर और पितृ पूजा दक्षिण मुख होकर करनी चाहिए। नंबर 2, नीला लाल अथवा काला वस्त्र पहनकर और बिना धोया हुआ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की उपासना करने वाला दोषी माना जाता है और उसका पतन होता है। नंबर 3, गीले वस्त्रों को पहनकर अथवा दोनों हाथ घुटनों से बाहर करके जो जप होम और दान किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। नंबर 4, केश खोलकर आचमन और देव पूजन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, तांबा मंगल स्वरूप पवित्र एवं भगवान को बहुत प्रिय है, तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है उसके भगवान को बड़ी प्रशंसा होती है, इसलिए भगवान को जल आदि वस्तुएं तांबे के पात्र में रखकर अर्पण करनी चाहिए। नंबर 6, चांदी पितरों को तो परम प्रिय है पर देव कार्य में इसे अशुभ माना गया है, इसलिए देव कार्य में चांदी को दूर रखना चाहिए। नंबर 7, भगवान की उपासना करते समय दीपक का स्पर्श करने पर हाथ धो लेना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। नंबर 8, शालिग्राम, तुलसी जी और शंख, इन तीनों को एक साथ रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शालिग्राम और शंख पर रखी हुई तुलसी को अलग करना पाप है। शालिग्राम से तुलसी अलग करने वाले को जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होती है और शंख से तुलसी अलग करने वाला भयानक तथा 7 जन्मों तक रोगी होता है। नंबर 9, शालिग्राम को बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही नरक में जाते हैं। नंबर 10, शिवलिंग पर चढ़े हुए फल फूल नवेद पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। यदि शालिग्राम में उसका स्पर्श हो जाए तो वे ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। नंबर 12, घर में प्रतिदिन पूजा करने के लिए वही प्रतिमा कल्याणकारी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओं से बनी हो तथा कम से कम अंगूठे के बराबर होनी चाहिए, जो टेढ़ी हो, जली हो, खंडित हो, जिसका मस्तक या आंख फूटी हुई हो अथवा जिसे चंडाल आदि अस्पर्श मनुष्य ने छू लिया हो, वैसी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 13, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। इनका पूजा करने से गृह स्वामी को दुख अशांति की प्राप्ति होती है। नंबर 14, विष्णु के मंदिर की 4 बार
शंकर के मंदिर की आधी बार, देवी के मंदिर की एक बार, सूर्य के मंदिर की सात बार और गणेश जी के मंदिर की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 15, घी का दीपक देवता के दाएं भाग में और तेल का दीपक बाएं भाग में रखना चाहिए। नंबर 16, प्रदक्षिणा प्रणाम पूजा हवन जप और गुरु तथा देवता के दर्शन के समय गले में वस्त्र नहीं लपेटना चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।